हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, मैं विशाल गोयल आपका होस्ट फिर आ चुका हूं एक और नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं कि स्टेयर के पार्ट्स और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आज स्टेयर केस के टोटल 21 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेयर केस के हर पार्ट्स या कंपोनेंट को पिक्चर के साथ समझाने की। ओके फ्रेंड्स, तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आज के बाद आप स्टेयरकेस के डिफरेंट कंपोनेंट को कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां स्टेप्स का एक सेट होता है जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने में मदद करती हैं। तो आज हम स्टेयरकेस के कुछ बेसिक पार्ट्स और इसके डिजाइन से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे, क्योंकि स्टेयरकेस के वेरियस कंपोनेंट और पार्ट्स हैं जिनके अपने अपने फंक्शन हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो पहली टर्म है स्टेप। तो स्टेप थ्रेड्स और राइजर का एक कम्बिनेशन होता है जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में मदद करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इन्हें स्टेयरकेस के स्टेप कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट है थ्रेड। तो स्टेप्स के ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल पोर्शन को, जिस पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए हम अपना पैर रखते हैं, उसे थ्रेड कहते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड मिनिमम डेप्थ 10 इंच होती है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है राइजर। तो हर दो थ्रेड के बीच वर्टिकल मेंबर को राइजर कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो थ्रेड को कनेक्ट करने और सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक राइजर की हाइट मिनिमम 4 इंच और मैक्सिमम 7 इंच होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है राइज। तो दो थ्रेड के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट को राइज कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है फ्लाइट। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, लगातार जुड़े हुए स्टेप की सीरीज को फ्लाइट कहते हैं। नेक्स्ट लैंडिंग। तो दो सक्सेसिव फ्लाइट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है, इसे लैंडिंग कहते हैं, जो स्टेयर्स का यूज करते हुए रेस्ट लेने के लिए यूज की जाती है, और यह लैंडिंग फ्लाइट की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नोजिंग। नोजिंग थ्रेड की एज का आउटर प्रोजेक्टिंग मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, जिसे थ्रेड को एक प्लीजिंग अपीयरेंस देने के लिए यूज किया जाता है, हाफ राउंडेड मोल्डिंग फिक्स करके, जो स्टेयर्स के एजेस को ब्रेकिंग और डैमेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक अच्छी फिनिश भी देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गोइंग। तो गोइंग दो राइजेस के बीच की टोटल विड्थ को कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव राइजर के फेसेस के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को गोइंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हेडरूम। तो हेडरूम थ्रेड और ओवरहेड सीलिंग के बीच का वह क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जिससे किसी भी पर्सन को स्टेयर यूज करते हुए डिफिकल्टी न हो और वह फ्रीली स्टेयरकेस पर मूव कर सके। ओके फ्रेंड्स, टेंथ है हैंड रेल। तो एक वुड और मेटल की इंक्लाइंड रेल, जिसे कन्वीनियंट हाइट पर बलुस्ट्रेड के आगे से और स्टेयर्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, सीढ़ियां चढ़ते समय हाथ को सहारा देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बालुस्टर। तो यह एक इंडिविजुअल वर्टिकल मेंबर होता है जो मेटल, स्टोन या वुड का बना होता है, जिसे हैंडरेल की सपोर्टिंग के लिए स्ट्रिंग और हैंडरेल के बीच में फिक्स किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट बालुस्ट्रेड। तो बालुस्टर की सीरीज और हैंडरेल के कंबाइंड फ्रेमवर्क को बालुस्ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ नोजिंग। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एक इमेजिनरी स्लोपिंग लाइन जो थ्रेड्स के सभी नोजिंग को टच करते हुए स्टेयर स्लोप के पैरेलल होती है, उसे लाइन ऑफ नोजिंग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पिच या स्लोप ऑफ स्टेयर के। तो जो स्टेयर की नोजिंग लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वर्टिकल एंगल बनाती है, उसे स्टेयर की पिच या स्लोप कहा जाता है। नेक्स्ट है रन। तो हॉरिजॉन्टल प्लान में स्टेयर की लैंडिंग के साथ टोटल लेंथ को रन ऑफ स्टेयर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सोफिट। तो जो स्टेयर के नीचे का सरफेस होता है, चाहे वह प्लास्टर से कवर किया हो या सीलिंग, उसे सोफिट ऑफ स्टेयर केस कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूल पोस्ट। तो यह एक टिम्बर और स्टील से बनी वर्टिकल पोस्ट होती है जो हेड, फुट और उस पॉइंट पर यूज की जाती है जहां से बालुस्ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, इसे हैंडरेल की सपोर्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्ट्रिंग या स्ट्रिंगर्स। तो स्टेयर में स्टेप्स के एंड को सपोर्ट देने वाले स्लोपिंग वुडन मेंबर्स को स्ट्रिंग या स्ट्रिंगर्स कहा जाता है, जो स्टेयर के स्लोप के अलोंग ही रन करते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट। तो वेस्ट वह इंक्लाइंड स्लैब की थिकनेस है जो फ्लाइट के स्टेप्स के नीचे कंस्ट्रक्ट की जाती है, या ये कह सकते हैं कि जिस पर स्टेप्स की आरसीसी रेस्ट करती है, उसे वेस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वॉकिंग लाइन। तो यह स्टेयर की वो अप्रोक्सीमेट लाइन है जिसे लोगों द्वारा यूज किया जाता है स्टेयर यूजिंग करते हुए। नेक्स्ट है विंडर्स।
तो जब हमारी सीढ़ियों की लेंथ कम होती है तो लैंडिंग प्रोवाइड करने के बजाय लैंडिंग की जगह पर इंस्टेंट राउंडिंग स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं स्टेयर्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो उसे विंडर्स कहते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। और लास्ट है स्टार्टिंग स्टेप या बुलनोज, तो इसे स्टार्टिंग फुटस्टेप भी कहा जाता है। तो जब स्टेयर्स एक या दोनों साइड से ओपन हो तो फ्लोर पर फर्स्ट स्टेप को ज्यादा वाइड कर दिया जाता है दूसरे अदर स्टेप्स की बजाय, जो बालूस्टर और हैंडरेल के बेस को और ज्यादा स्टेबल बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्टेयर्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट जिनके बारे में आपने अक्सर सुना तो होगा पर कंफ्यूज होंगे कि ये पार्ट्स एक्चुअल में स्टेयरकेस के कौन से पार्ट है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की ये कोशिश आप लोगों के कुछ काम आएगी। और जाते जाते सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल बटन को दबाकर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल में इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।